प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो कभी टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तमाम गवाहियां आज सुनकर आपका हृदय पिघल गया होगा, पत्थर का हृदय भी मांस का हृदय हो जाएगा, ये देखकर कि किस प्रकार से टूटे मन से तमाम इन बेटियों ने, बेटों ने, बहनों ने, भाइयों ने जब मुसीबत के वक्त में प्रार्थनाएं की तो परमेश्वर पिता ने उन्हें उत्तर दिया। आज हमें एक बात सीखने को मिली इन तमाम बहनों से जो कि गवाहियां दे रही थी, हमने एक बात सीखी है, शायद आप भी सीख सकें। मैंने एक बात नोटिस की और बहुत गहराई की बात है, इनका रिश्ता अपने सृष्टिकर्ता से पिता और बेटी का है, पिता और बेटे का है। क्या ये रिश्ता समझ पाए हैं आप? और यही सच है, यही सच है। इस सच को शैतान ने छुपाने की कोशिश की है। दुनिया भर में अगर पुराने जमाने के शरीयत और मूसा की शरीयत को ले गो तो अगर तुमने पिता कह दिया परमेश्वर को तो तुमने ब्लेस्फेमी कर दी, और ब्लेस्फेमी यानी ईश निंदा का कानून लागू हो जाएगा। और ये देख रहा हूं मैं यहां पर हर आदमी ईश निंदा कर रहा है, कितनी खुशी की बात है, मैं बहुत आनंदित हूं। ये ईश निंदा नहीं है, ये सच्चाई का बोध है हमारे भारत के लोगों में। हालेलुया। तुम उस परमेश्वर पिता की संतान हो जिसने तुम्हारी सृष्टि अपने हाथों से की है और अपने मुंह से अपनी सांस हमारे नथनों में फूकी है और हम उसकी संतान बन गए हैं। ये बात बड़ी गहराई की है, पता नहीं कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा, लेकिन मुझे आज हृदय से आनंद हुआ, बहुत आनंदित हुआ मैं, क्योंकि जो बेटियां प्रार्थना कर रही थी वो पिता से कर रही थी, जो बेटे प्रार्थना कर रहे थे वो पिता से कर रहे थे, कह रहे थे मैंने पिता पर पिता से, परमेश्वर भी नहीं बोल रहे हैं, ईश्वर भी नहीं बोल रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं पिता से मैंने मांगा। इसका मतलब है तुमने अपने सृष्टिकर्ता को पहचान लिया कि हकीकत में वो तुम्हारा पिता है। हालेलुया। और इसी पहचान को कराने के लिए यीशु का दरबार भारत में लगा है। हालेलुया। यीशु का दरबार इसी पहचान के लिए लगा है कि तुम अपने सृष्टिकर्ता को पहचानो और उसे जानो। यूहन्ना के 17 अध्याय उसके 3 पद में यीशु ने कहा अनंत जीवन क्या है, पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। और ये अनंत जीवन होता क्या है? ये बहुतायत का जीवन है, हमेशा की जिंदगी है। ये वो जिंदगी है जो न पृथ्वी पर खत्म होती है न स्वर्ग में खत्म होती है, ये हमेशा हमेशा के लिए रहती है। उसी जिंदगी में प्रवेश करना को हम उद्धार या मुक्ति के नाम से जानते हैं। यही उद्धार है, यही मुक्ति है। और इस उद्धार और मुक्ति के लिए हमें नम्र और दीन बनना होगा और अपने पिता को पहचानना होगा कि हमारा पिता हमसे कितना प्रेम करता है। हमारा सृष्टिकर्ता जो हमारा पिता है हमसे बेहद मोहब्बत करता है, अत्यधिक प्रेम करता है। और उसी के प्रेम का एक नतीजा है कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में मनुष्य बनाकर भेजा ताकि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य बनकर अपने पिता के हृदय को पुत्र के द्वारा पृथ्वी पर प्रकट करे और इतना प्रेम प्रकट करे कि हम सबके अपराधों के लिए वो घायल किया जाए, हमारे अधर्म के लिए वो कुचला जाए, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। ये यीशु मसीह हमारे सब पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं
और उसी के कोड़े खाए जाने से तुम चंगे हुए हो। मेरे प्रियो, ये जो चंगाई की गवाहियां सुनाई देती हैं, ये कोई चंगाई 2000 साल से नहीं हो रही है। परमेश्वर का आत्मा जब से उसने मनुष्य की सृष्टि की है, तब से मनुष्यों के बीच में काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा सृष्टि के आरंभ से और आज तक और अब तक बदलने वाला नहीं है, वो हमेशा एक सा है। वो हमारे कल्याण में जुटा हुआ है, हमारी सृष्टि में जुटा है कि हमें वो नई सृष्टि बना दे, हमें नया मनुष्य बना दे। यहीं पर एक घटना का जिक्र है, दूसरा राजा पुराने नियम में, बाइबल में, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय। यहां पर एक असीरियन किंगडम है जिसे आराम का राजा बोलते हैं, आराम। उस आराम के राजा के एक सेनापति है जिसका नाम नामान है, और ये अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष है, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था, शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोगों का दल इज़राइल पर चढ़ाई किया और वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के नबी के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोड़ से चंगा कर देता। यानी वो बेटी, ये जो गवाह आपको दिख रहे हैं, सैकड़ों गवाह दिख रहे हैं, ये अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में यीशु की गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह भला करता है, यीशु मसीह आशीषित करता है, यीशु मसीह अंधों की आंखें खोलता है, यीशु बहरों के कान खोलता है, यीशु गूंगे को जुबान देता, लंगड़े को चलाता है, कैंसर के रोगी को चंगा करता है। यीशु मसीह जीवन देता है, मुर्दों को जिंदा करने वाला प्रभु है। यीशु मसीह 2000 साल पहले कर रहा था, वो आज भी कर रहा है, क्योंकि आप जानते हो रहा है, आप गवाहियां सुनते हो हर इतवार को, यीशु मसीह क्या क्या कर रहे हैं। कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, ये यीशु मसीह कर रहा है, उसका पवित्र आत्मा कर रहा है। हालेलुया। तो सारा आदर महिमा इन संपूर्ण गवाहियों के लिए और इन मनुष्यों को चैन देने के लिए, इनको चंगा करने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। उन्हीं को सारा आदर और महिमा देते हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथों से हम चंगे होते हैं, उन्हीं के हाथों के द्वारा हम आशीषित होते हैं, उन्हीं की करुणा और दया के द्वारा पवित्र आत्मा हमें छूता है, पवित्र आत्मा हमें टच करता है और हील करता है। हालेलुया। यहां पर ये बेटी, छोटी सी लड़की है जो नामान सेनापति की पत्नी की सेवा करती है, इजरायली लड़की है, यहूदी लड़की है, और यहूदी लड़की अपने विश्वास में मजबूत है, और वो ये जानती है कि उसके देश में उसका एक नबी है जिसका नाम एलीशा है, और वो नबी परमेश्वर का भक्त है। और जब उसके पास यदि ये आराम का सेनापति यदि उसके पास होता तो वो उसके कोड़ से उसको चंगा कर देता। यानी ये लड़की की गवाही है, और जब लड़की की ये गवाही है तो उसका कोई कारण भी होगा, उसका कोई आधार होगा। उसने बहुतेरी चंगाइयां, बहुतेरी हीलिंग्स, छुटकारे एलीशा के द्वारा किए हुए सुने होंगे और देखे होंगे इज़राइल के अंदर। जैसे आपने यीशु दरबार में बहुतेरी गवाहियां सुनी हैं, चंगाइयां देखी हैं, और अपने जीवन में भी उनका तजुर्बा किया है, तो निश्चित रूप से आप मसीह यीशु के गवाह हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये बेटी जो कि इज़राइल की बेटी है, यहूदी बेटी है, आराम के सेनापति के यहाँ नौकरानी के रूप में काम कर रही है,
और ये बेटी उससे कहती है अपनी मालकिन से कि यदि हमारा मालिक इज़राइल के नबी एलीशा के पास पहुंचा होता तो निश्चित उसे वो कोड़ से चंगा कर देता। यानी बहुत से लोग अभय देते, भाई दरबार चले जाइए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं हो रहा, बरसों से परेशान है, ऐसी ना इलाज बीमारी से परेशान है, प्रार्थना कराइए। गवाहियां देते हैं लोग और उन्होंने प्रार्थना कराई और प्रभु ने उन्हें चंगा किया है। ऐसे ही ये लेडी जब ये बेटी अपनी मालकिन से बोलती है तो मालकिन अपने पति को बताती है और नामान अपने राजा को बताता है और कहता है इजरायली लड़की इस प्रकार कह रही है। आराम के राजा ने कहा तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। फिर आराम के राजा ने चिट्ठी लिखी इज़राइल के राजा के लिए कि देख मैं अपने सेनापति को भेज रहा हूँ, अपने इस कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेज रहा हूँ कि तू उसका कोढ़ दूर करे। राजा को क्या पता था, राजा थोड़ी ठीक करेगा, उसके राज्य में एक नबी है, राजा खुद नहीं कर रहा है कुछ, उसके राज्य में एक नबी है जो प्रभु का भक्त है और वो परमेश्वर पिता का से प्रार्थना करता है और लोग चंगे होते हैं। यहाँ पर वो क्या करता है, करीब 340 किलो चांदी, 70 किलो सोना, 10 जोड़ी कपड़े, ये सब लेकर वो राजा इज़राइल के पास जाता है। सोचिए कितना अमीर होगा उस जमाने में, राजा का सेनापति कितना अमीर होगा जो अपने ट्रेजरी से 70 किलो सोना ले जा रहा है, 340 किलो चांदी ले जा रहा है और 10 जोड़े कपड़े ले जा रहा है। क्यों? वो इसलिए ले जा रहा है कि वो उसको भेंट चढ़ाएगा, इतनी चांदी और सोने की भेंट चढ़ाएगा क्योंकि उसे कोढ़ से चंगा होना है। आगे क्या होता है, इज़राइल का राजा जब पत्र पढ़ा तो नाराज हो गया, घबरा गया, उसने कहा ये राजा आराम का मुझसे लड़ाई करना चाहता है, इसलिए उसने मुझे ऐसा आदमी भेज दिया है कि मैं इसका कोढ़ चंगा करूं। इज़राइल का राजा कहता है क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ? उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ, सोच विचार तो करो, वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता है। इज़राइल का राजा दूसरे तरीके के विचार कर रहा है। तब तक एलीशा नबी ने सुना कि इज़राइल के राजा ने अपने कपड़े फाड़े और वो परेशान है और वो ये कह रहा है कि ये आराम का राजा मुझसे झगड़ा करना चाहता है और इसलिए अपने सेनापति को मेरे पास भेजा कि मैं उसका कोढ़ चंगा करूं। शोमरोन के नबी, इज़राइल के नबी एलीशा ने जब सुना, लिखा है, तो उन्होंने कहा कि तूने अपने वस्त्र क्यों फाड़े हे राजा, अब वो मेरे पास आए तब जान लेगा इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है, भेज दे मेरे पास, तब वो जान लेगा कि इज़राइल में कोई नबी है परमेश्वर का। हालेलुया। तब वो चला, नामान एलीशा के पास आया, घोड़ों समेत रथों समेत एलीशा के द्वार पर खड़ा हो गया, लिखा है इसमें। परंतु एलीशा ने क्या किया, एलीशा ने एक दूत को बाहर भेजा अपने घर से और उसको खबर दी कि उसको बोलो कि जाकर यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाए, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों शुद्ध हो जाएगा। अब ये बात सुनकर सेनापति क्रोधित हो गया और ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर मेरे हाथों मेरे कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ दूर करेगा। क्या दमिश्क में मेरे देश में नदियां नहीं हैं जिन्हें नहाकर मैं जलाशयों में शुद्ध हो सकता हूँ? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे,
हे हमारे पिता। यहाँ कुछ समझदार, उसके साथ सब सिपाही थे कुछ जो बड़े बुद्धिमान समझदार थे, उन्होंने कहा हे मालिक सेनापति हमारे पिता, अगर ये नबी तुझसे कोई बड़ा काम करने को कहता तो क्या तू उसे नहीं करता? उसने कौन सी बड़ी काम तुझे बताया है? उसने यही तो कहा है, जाके 7 बार यर्दन नदी में डुबकी लगा और तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, और तू अपने घमंड से भरा हुआ है, छोटी सी बात नहीं मान रहा है। और नबी अगर कहता कि तू 340 किलो चांदी और 70 किलो सोना और 10 जोड़ी कपड़े और तमाम और भी कुछ लाके दे यहाँ पर, और 10 गांव 10 जिले मेरे नाम से लिखवा दे, वो मेरे हो जाएंगे, तो क्या तू उसे नहीं करता? उसकी बुद्धि खुल गई, उसने कहा ये तो कोई बड़ा काम इसने बताया नहीं मुझे, अगर नबी चाहता तो बहुत बड़ा काम बता देता, उसने छोटी सी बात बताई है कि जाके कर ले। ये आज्ञाकारिता का मतलब है। नबी कहां से बोल रहा है? मुंह से तो बोल रहा है लेकिन किस स्थान से बोल रहा है? एलीशा जो नबी है वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हुआ है, और तभी ये दरवाजा पर खटखटा रहा है, और एलीशा नबी ने परमेश्वर की उपस्थिति से ये वचन बोल दिया, जा जा। इसी प्रकार यीशु मसीह के पास एक सूबेदार आता है, मत्ती रचित सुषमाचार उसके 8 अध्याय में है, किस प्रकार से वो सूबेदार कहता है कि हे प्रभु मेरा सेवक घर पर लकवा कर रोगी और दुखी पड़ा हुआ है। यीशु ने कहा मैं आकर उसे चंगा करता हूं। सूबेदार ने कहा हे प्रभु मैं ऐसे योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर के छत के तले आए, तू अपने मुख से बोल दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे अधीन है, जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु अचंबा किए और उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ये 2 तरह के लोग हैं, इधर नामान आराम का सेनापति है और यहाँ पर रोमियो की सल्तनत का एक सूबेदार है। 2 तरह के लोग हैं एकदम। और उस सूबेदार का विश्वास यीशु मसीह पर अटूट था और उसने कहा हे प्रभु मेरे घर आने की जरूरत नहीं तुम्हें, तुम वहीं से बोल दो तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और यीशु कह रहे हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं पूर्व और पश्चिम से लोग आकर इब्राहिम इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतानें बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब लोग कहेंगे कि भाई हम तो जन्म के ईसाई हैं, हमारे नाम हमारे बाप दादा बिशप थे पादरी थे ये थे वो थे। यीशु मसीह कहेंगे मैं तुमको नहीं जानता तुम कौन हो, तुम्हारा नाम भले ही कुछ भी हो, तुम्हारा नाम पीटर हो पॉल हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर कभी नहीं था। और इसी विश्वास की घटी उन्होंने इसराइल में पाई, इसी विश्वास की घटी आज हम ईसाइयों में पाते हैं, मसीही लोगों में पाते हैं। आज भी यीशु मसीह वही कह रहा है मैंने ऐसा विश्वास इन भाई बहनों में जो यीशु दरबार में देखते हैं, वो आम कलीसियाओं में बड़े बड़े चर्चेज में ये विश्वास दिखाई नहीं देता, कतई दिखाई नहीं देता। मेरे प्रियो आपका विश्वास आपके साथ आपका आश्चर्य कर्म करेगा, आपका विश्वास आपके लिए स्वर्गीय आशीषें लाएगा, आपका विश्वास आपके जीवन में चंगाई और छुटकारा लाएगा, आपका विश्वास मसीह यीशु के वचन को आपके हृदय और जीवन में फलवंत करेगा। यहाँ पर क्या होता है, ये सूबेदार से यीशु कहते हैं जा जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया।
उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। और यहां पर ये असीरियन सेनापति को समझाना पड़ा कुछ समझदार सिपाहियों ने, कहा कि अगर नबी तुझसे बड़ा काम बताता तो तू क्या करता। तो वो गया, लिखा है कि वो गया, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया, उसका कोढ़ खत्म हो गया। हालेलुया, क्योंकि उसने परमेश्वर के भक्त की बात मान ली और परमेश्वर के भक्त ने वचन बोला परमेश्वर की उपस्थिति से। जब परमेश्वर की उपस्थिति से हम कोई वचन बोलते हैं, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, प्रभु यहोवा की उपस्थिति में से खड़े होकर कोई वचन कहते हैं तो आपके जीवन में कारगर होगा, यदि आप विश्वास के साथ उसको ग्रहण करते हो। वचन एक बीज है, वचन एक जीवन का बीज है, परमेश्वर का वचन जीवन का बीज है। अगर नम्रता पूर्वक हम उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तो निश्चय आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होते हैं। नम्रता और दीनता, घमंड को त्याग कर हम जब नम्र दीन होकर टूटे हुए मन से प्रभु के पास आते हैं और प्रभु कोई वचन देता है हमसे, जब प्रभु का वचन हमें मिलता है और कहता है जा बेटी, जा बेटे, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, अगर हमने उसको ग्रहण कर लिया इस वचन को, तो वैसा ही हो जाएगा। जैसा हमारा विश्वास है वैसा ही होगा, आज भी हो रहा है, आज भी वही हो रहा है जो 2000 साल पहले था, 3000 साल पहले था, 4000 साल पहले था, 5000, 10000 साल पहले था। प्रभु यहोवा बदलता नहीं कभी, यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक सा है। यहां पर मेरे प्रियो हम यही देख रहे हैं किस प्रकार से उद्धार हमें आसानी से दे दिया गया है, हमें उद्धार का मार्ग बड़ा ही आसान कर दिया गया है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, कठिन मार्ग ढूंढ रहे हैं। उद्धार इतनी आसानी से क्यों हो जाता है? आप विश्वास चिल्ला रहे हो, इसमें न कोई आपको दान दक्षिणा देना पड़ रहा है, नहीं आपने कोई बड़ी कोई कीमत अदा कर रहे हैं, न कोई आप बहुत बड़ा काम करने को कहा जा रहा है, आपसे केवल विश्वास करने को कहा जा रहा है और विश्वास करने से आपका उद्धार हो रहा है। आप विश्वास के द्वारा यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, आपका उद्धार हो जाता है। इतनी सी बात हम बता रहे हैं और हमें बहुत आसान लग रही है, उद्धार इतना आसान कैसे हो सकता है? नबी ने बहुत आसान बात उसे बताई, नामान को, उस सेनापति को जिसको कोढ़ था। नबी ने परमेश्वर की उपस्थिति से सिर्फ इतना ही तो कहा था, जा और यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगा लेना और तू चंगा हो जाएगा। उसे बहुत आसान बात लगी, उसने कहा वो मेरे, मैं तो ये सोचता था कि नबी निकल कर आएगा और जोर जोर से चिल्लाएगा और मेरे ऊपर हाथ फेरेगा और कोढ़ से मुझे चंगा करेगा, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। नबी ने बहुत आसान उसे मार्ग दे दिया था। सिंपल और आसान तरीका जब हमारे सामने दिखाई देता है तो हम सोचते हैं कि भाई परमेश्वर के पास पहुंचना बहुत कठिन है, उद्धार असंभव है, परमेश्वर को प्राप्त करना असंभव है। और तभी परमेश्वर कहता है मेरे लिए सब कुछ संभव है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह जगत को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब ये वचन है, यदि हम इस वचन को विश्वास के द्वारा अपने हृदय में ग्रहण करेंगे,
निश्चय ये वचन फलेगा और फूलेगा, आशीषित करेगा आपको, अनंत जीवन पाएगा, नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। बहुत आयत के जीवन में, अनंत जीवन में कोई घटी नहीं होगी। राजा दाऊद भजन संहिता 37 और 25 में कहते हैं, मैं बचपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं, न तो धर्मी को कभी त्यागा हुआ और न उसकी औलाद को भीख मांगते हुए, टुकड़े मांगते हुए देखा है। धर्मी है कौन? धर्मी वो है जिसने परमेश्वर को अपना पिता मान लिया हो। धर्मी वो है जिसने यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता विश्वास के द्वारा ग्रहण कर लिया है। हम विश्वास से धर्मी होते हैं, हम अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरते हैं। जब विश्वास के द्वारा हम धर्मी हो जाते हैं तो धर्म के काम तो अपने आप हमसे होने लगते हैं, क्योंकि जब तक हमने विश्वास नहीं किया था तब तक हमसे धर्म के काम नहीं होते थे। और जब परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के द्वारा हमें धर्मी बना दिया, आसानी से बना दिया, बिना किसी कर्म के बना दिया, बिना किसी बहुत ही मेहनत के बना दिया, हमने विश्वास किया और उसने हम पर अनुग्रह किया, हमें मुक्ति दे दी, उद्धार दे दिया, पाप की क्षमा दे दी और कह दिया, जा बेटे अब पाप मत करना, जा आज माफ कर दिया तुझे, आगे की जिंदगी सही काटना, दोबारा उस गुनाह में मत जाना। क्योंकि दुनिया में हर आदमी गुनहगार है, हर आदमी ने पाप किया है और हर आदमी परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन जो धन्य वो है जिसके अपराध क्षमा किए गए हों, धन्य वो है जिसके पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा ढांप दिए गए हों। कौन है वो? मैं हूं। हालेलुया। कौन है वो? बोलिए मैं हूं। कौन है वो? मैं हूं। मैं धन्य हूं। बोलिए मैं धन्य हूं। मेरे अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा किया और मेरे पापों को यीशु के लहू में ढांप दिया और मेरे अपराधों का, मेरे किसी भी अधर्म का यहोवा लेखा नहीं लेगा। मेरे अधर्म का लेखा यहोवा नहीं लेगा, तो मैं धर्मी हो गया। आमीन। धर्मी हो गया, यही है इतना आसान धर्मी बनना। और हम अब ये साहब 340 किलो चांदी और 70 किलो सोना और 10 जोड़ी कपड़े लेकर आए थे धर्मी बनने के लिए, चंगा होने के लिए। कितना बड़ा दान लेकर आए थे, लेकिन जब चंगे हो गए, जब उन्होंने एलीशा नबी की आज्ञा का पालन किया और 10 जाकर यर्दन नदी में 7 डुबकी लगाई, तो उसका शरीर कोढ़ से शुद्ध हो गया और दौड़ा दौड़ा यहोवा के पास, एलीशा के पास आया और एलीशा से कहने लगा, सुन अब मैंने जान लिया है समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट को ग्रहण कर, मैं तेरे लिए 340 किलो चांदी और 70 किलो सोना और 10 जोड़ी कपड़े लाया हूं, ग्रहण कर ले। कोई पादरी होता, कोई बिशप होता तो मना कर देता है, क्या कहता वो, अरे भैया दे दो कोई बात नहीं, दरबार में डाल दो, चंदे में डाल दो, है 340 किलो चांदी, 70 किलो सोना और 10 जोड़ी कपड़े। एलीशा से कह रहा है, इसे ले ले, मैं भेंट देना चाहता हूं तेरे को। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट नहीं लूंगा। हालेलुया। कुछ भेंट नहीं लूंगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब अपॉइंट किया और कहा कि तुम जाओ, सारे जगत में जाओ और सारी सृष्टि में लोगों को
चेला बनाओ और स्वर्ग राज्य का प्रचार करो और उन्हें वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं मानना सिखाओ। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में हम देखेंगे, फिर यीशु ने 12 चेलों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि वे उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। और पद 7, 10 अध्याय 7वें पद से, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो। यीशु मसीह के चेलों को आज ये आज्ञा है, मुझे आज्ञा है, हर विश्वासी बेटे और बेटी के लिए आज्ञा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेहत में पाया है सेहत में दो, सोना और चांदी मत लो, रुपया पैसा उनसे मत लो, सेहत में दो, क्योंकि तुमने सेहत में पाया है। अपने पटकों में न सोना न रूपा न तांबा न चांदी, मार्ग के लिए न झोली रखो न 2 कुर्ते न जूते न लाठी, मजदूर को उसका भोजन चाहिए। चलते जाओ, चलते जाओ और दुनिया को मुक्ति का संदेश देते जाओ, मुक्ति के मार्ग का दर्शन देते जाओ, मुक्ति का मार्ग दिखाते जाओ, अंधों की आंखें खोलते जाओ, बहरों के कान खोलते जाओ, गूंगों की जुबान खोलो, लगड़ों को चढ़ाओ, बहरों को सुनने की शक्ति दो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिंदा करो, 2 पैर पे चलते हुए मुर्दों को भी जिंदा करो, 2 आंखें रखते हुए अंधों को भी आंखें दो, क्योंकि आंखें रखते हुए भी लोग अंधे हैं, कान रखते हुए भी बहरे हैं। इतना बड़ा उद्धार का समाचार सुनाया जाता है, उसे हम ईसाई धर्म के लॉकर में लॉक करके चाबी अपनी जेब में रख लेते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु कह रहे हैं, मुफ्त में मिला है मुफ्त में बांटो, न सोना न चांदी। पुराने नियम में एलीशा नबी ने क्या किया, 3,500 साल पहले एलीशा नबी ने क्या किया, उसने 340 किलो सोना चांदी और 70 किलो सोना और 10 जोड़ी कपड़ों को वापस कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चंगाई के बदले पैसा नहीं चाहिए, प्रार्थना के बदले मुझे पैसा नहीं चाहिए, केवल तेरा आदर और सम्मान मेरे लिए बहुत है, तू प्रभु की महिमा कर, इतना बहुत है। अब यहां पर क्या होता है, एलीशा का एक सेवक है जिसके मन में लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है, इतना सोना देखकर इतनी चांदी देखकर लोभ आ गया। इसका नाम है गेहजी। गेहजी ने कहा, मेरे स्वामी ने तो अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वो ले आया था उसको उससे न लिया, परंतु यहोवा की जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। लालची, लालच बहुत खतरनाक चीज है दुनिया में, लोभ किसी का नहीं करना चाहिए। 10वीं आज्ञा है, तू किसी चीज का लोभ और लालच मत कर, न तो किसी की जमीन जायदाद का, न किसी के धन का, न किसी की स्त्री का, न किसी के गधे बैल का, न किसी की कार का, न किसी के बंगले का लालच न करना, क्योंकि रुपए का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। जब हमारे अंदर रुपए का लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है, तो सबसे बड़ी बुराइयां उससे पैदा हो जाती हैं, श्रापित मनुष्य हो जाता है। रुपए का लोभ सबसे बुराई की जड़ है। इसने क्या किया, ये गेहजी, जब वो नमान सेनापति अपने पूरी सेना के साथ वापस लौट रहा था, रथों के साथ घोड़ों के साथ, तो ये उसका सेवक, नबी का सेवक गेहजी दौड़ता हुआ उसके पीछे पीछे गया, और जब उसने दौड़ते हुए किसी को अपने पीछे देखा तो अपना रथ रोक लिया और रोक कर उतर कर नीचे आया और कहा, भैया सब ठीक ठाक तो है,
क्या हो गया? उसने कहा मेरे घर में मैं सब कुशल है, लेकिन भविष्यवक्ताओं के चेले मेरे यहाँ आए हैं और इसलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी यानी करीब 34 किलो चांदी और 2 जोड़ी कपड़े दे दे। उसने कहा दूना ले ले। उसने क्या किया, 2 किक्कार चांदी यानी 34 की 68 किलो चांदी 2 आदमियों पर लाद दिया आपने, 2 सेवकों पर, और 2 जोड़ी कपड़े दे दिए, ले जा। वो झूठ बोल रहा था, उसका सेवक, नबी का सेवक झूठ बोल रहा था और झूठ बोलकर उसने नबी के नाम से उस सेनापति से चांदी ले ली और उससे कपड़े ले लिए और अपने घर पर के पास आया तो जल्दी से उठाकर उसको अपने घर के अंदर छुपा दिया और फिर नबी के सामने पहुंच जाता है। तब नबी कहता है उससे, नबी ने पूछा हे गेहजी तू कहाँ था, कहाँ से आता है? उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। यहाँ भी झूठ बोल रहा है। जब नबी ने पूछा तू कहाँ गया था, उसने कहा मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यही था। नबी बोले जब वो पुरुष, वो सेनापति इधर मुंह फेंक कर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। यानी जब सेनापति के पीछे तू दौड़ रहा था और वो रथ से उतरा है और तूने उसे चांदी लेकर अपने घर में छिपाया है, ये हाल मुझे पूरा पता है। लेकिन देख, इसी वजह से अब नामान को जो कोड़ था, जो नामान को कोड़ था, वो कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा और वो हिम के समान श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। जानते हो लालच का, क्योंकि वो कोड़ से चंगा होने के लिए सोना चांदी लेकर आया था और इसलिए सोना चांदी उसका वापस कर दिया गया और उसने क्या किया कि सोना चांदी उस कोड़ी का ले लिया। तब नबी ने कहा कि अब उसका कोड़ भी तेरे घर में बना रहेगा, तेरी वंशों में बना रहेगा, एक पीढ़ी में नहीं तेरी पीढ़ियों में बना रहेगा। सोचो, यीशु मसीह ने इसलिए मना किया, मुफ्त में मिला है तुम्हें ये वरदान, मुफ्त में बांटो, पैसा मत लो इसके लिए, प्रार्थना करने के लिए किसी से पैसा मत लो। किसी से पैसा मत लो प्रार्थना करने के लिए। ये डिमांड हमारी नहीं होनी चाहिए। ये जाके डिमांड करता है और क्या होता है, उस बीमार का रोग उस पर लग गया। बहुत खतरनाक है। रिश्वतखोर क्या करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं, आप काम के लिए जाते हो, कोई मुफ्त में काम नहीं करता आपका, नौकरी के लिए लोग जाते हैं, नौकरी के लिए पैसा देते हैं, कहीं किसी काम के लिए पैसा देते हैं, कोई अपनी जमीन गिरवी पर रख के, गिरवी रख के अपने बच्चे की नौकरी के लिए पैसे देता है, कर्ज लेके देता है, तमाम दुख उठाकर रिश्वत देता है। जानते हो जब रिश्वत देने वाला रिश्वत देता है तो जो दुख उसने पैसा जमा करने के लिए किए उठाया है, कर्जा है, लज्जा है, मांगने गया है, जमीन जायदाद उसने गिरवी रखी है, वो सारे श्राप जो उसके हैं वो रिश्वतखोर के घर में जाके बैठ जाते हैं। जिसने रिश्वत ली है उसके घर में बैठ जाएंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका नाश करते रहेंगे। कितना खतरनाक है रिश्वत लेना। जिस काम के लिए तुम्हें नौकरी दी गई हो उस काम के लिए तुम रिश्वत लो, बहुत दुखदाई चीज है। हमें जो कुछ परमेश्वर ने दिया है
उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। हमें उतने ही पैर फैलाना चाहिए जितनी हमारी चादर है। अगर हम मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं तो हम कार खरीदने के लिए कोशिश न करें कि जबरदस्ती बैंक से लोन लें फिर कार खरीदें। पड़ोसी ने कार खरीद ली, हमारे साथी ने कार खरीद ली तो हम भी खरीदें, जरूरी नहीं है। जितना आपके पास है उसमें संतोष करना चाहिए। दूसरी बात, हमें उतनी ही पैर फैलाना चाहिए जितनी हमारी चादर है। लालच नहीं करना चाहिए, और लालच करने वाले से सब कुछ उसका डूब जाता है। लालच करने से सब कुछ डूब जाता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को मना किया है। भक्तों के लिए खास तौर से, जो विश्वासी भाई बहन हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 17-18 पद में कहा, विश्वासियों के चिन्ह होंगे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से, अपने नाम से नहीं ना। अगर हमें अपने नाम से निकालते तो हम पैसा ले लेते, ठीक है ना। जब मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकल ही नहीं रही है तो मेरा हक कहां से हो गया? अगर तुम अपने नाम से दुष्ट आत्मा निकाल सकते हो तो भैया ठीक है, जितना पैसा चाहो ले लो। जैसे डॉक्टर लोग दवाई देते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको हक है अपनी फीस लेने का। हमने कौन सा ये वरदान पढ़ाई लिखाई से पाया है? ये तो मुफ्त में मिला है। परमेश्वर ने हमें हमारी प्रार्थना सुन ली और उसने हर विश्वासी को ये अधिकार दे दिया कि विश्वासियों के चिन्ह होंगे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तु पी जाएं तो भी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। हम लोग दरबार में क्या करते हैं? बीमारों पर हाथ रखते हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने नाम से नहीं। जब यीशु के नाम से रखते हैं तो ये हाथ हमारे नहीं है, यीशु के हैं। तो हमारा कोई हक नहीं है यीशु के नाम पर टैक्स लगाने का, ठीक है ना। यीशु मसीह के नाम पर टैक्स वसूलने का हक हमारा नहीं है। इसीलिए संत पौलुस 1 तिमोथियस उसके 6 अध्याय में 5वें पद से एक बहुत गंभीर बात समझा रहे हैं। मनुष्यों के व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। यानी भक्ति को कमाई का द्वार न बनाओ। परमेश्वर की भक्ति कमाई का द्वार नहीं होना चाहिए। यह सेवा है और परमेश्वर की भक्ति सेवा में ही रहनी चाहिए। हां, सेवक को रोटी खाने का हक है, मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, वो मजदूरी मिलेगी। जिसकी सेवा में निकले हो वो खाने का भी इंतजाम करेगा, रहने का भी इंतजाम करेगा, उस पर भरोसा रखो, वो सब कुछ करेगा। हमें मांगना नहीं पड़ेगा किसी से। मांगने वाला, भीख मांगने वाला परमेश्वर का भक्त नहीं हो सकता। भक्त कभी भीख नहीं मांगता और भक्त किसी चीज का लालच नहीं करता। भक्त कभी कमाई का, भक्ति को कमाई का द्वार नहीं बनाता। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न तो हम इस जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने पहनने को है तो इसी में संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, मुफ्त में मिला है, मुफ्त में बांटो। हालेलुया।
कितने विश्वासी बेटे बेटियां हैं यहां पर हैं जो कि प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जो प्रार्थना करते हैं अपने आप से, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत हैं। खड़े हो जाइए अपनी जगह पर, हम आपके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हो दूसरों के लिए, ये आपकी सेवा है। आपकी भक्ति सच्ची यही है कि मुफ्त में मिला है हम मुफ्त में देंगे, हमारे खाने रहने का इंतजाम भी वही करेगा जिसने हमें भेजा है, भेजने वाले का काम है, वो मालिक है, चिड़ियों को खाना देता है। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 34:10 में, जंगली शेरों को तो भूख लगती है, घटी होती है, जंगली शेरों को घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। तो प्रभु यहोवा यीशु के खोजियों को घटी नहीं हो सकती, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, समय एक हाथ सीने पर रखो, दूसरा ऊपर उठाओ, क्योंकि वो लोग, केवल वही लोग इस समय बीमारों के लिए दुआ नहीं कर रहे, जो बीमार हैं, जो अपने लिए दुआ कराने आए वो कृपया बैठ जाएं, खड़े न हो। रोगियों के लिए, बीमारों के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए अगर ये काम करने आप जा रहे हो तो जरूर हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे। हे परम प्रधान परमेश्वर पिता, इन बच्चों ने जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, एक एक को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, यीशु के पवित्र लहू से इनके प्राण आत्मा शरीर को सुरक्षित करता हूँ, हर एक श्राप को तोड़कर पवित्र आत्मा की बहुतायत की भरपूरी की आशीष बोलता हूँ, यीशु नासरी के नाम से, मसीह की आत्मा से, पवित्र आत्मा से, सामर्थ्य के आत्मा से, छुटकारे और चंगाई के आत्मा से ये परिपूर्ण हो जाएं, भविष्यवाणी के आत्मा से ये परिपूर्ण हो जाएं, सत्य के आत्मा से ये परिपूर्ण हो जाएं, और इनके द्वारा, इन्होंने जो हाथ खड़े किए हैं, हे प्रभु इनके हाथों को शुद्ध कर दे, इनके हाथों को शुद्ध कर दे मेरे राजा, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इन हाथों को शुद्ध कर दे। सखरी अंदोरी मसा दलाबा रेहन दलाबे शम रुहन दरिया खेरू बराबा संदलाबे रेहन दरियन साखरी अंदली मशदा रोहो बरिहन सामरी अंदलाबा रेखे रिहन दला खदाबे। लॉर्ड जीसस, फिल देम विद द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर देने, स्पीकिंग इन टंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स एंड प्रोफेसी, gifts of revelation, word of wisdom, word of knowledge, discerning of spirits, gifts of power, faith, healings and miracles, signs and wonders, in the name of Jesus, yeshu nasri ke naam se, samarth ke kaam inke haathon se hove, samarth ke kaam inke haathon se hove, main ye prarthna yeshu nasri ke naam se karta hu, और तेरा फरिश्ता इनके दाहिनी ओर खड़ा हो जाए जो इनकी रक्षा करे, यीशु के नाम से, आमीन। मैं तो चाहता हूं कि आप मुझसे भी बड़े बड़े काम करो, यीशु मसीह चाहता है यीशु मसीह से बड़े बड़े काम करो, तो यीशु मसीह को धन्यवाद की ताली बजाएंगे, यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। कृपया बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। अब केवल हम उनके लिए दुआ करेंगे जो कि रोगी और बीमार हैं, किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, बीमारी है, जो भी बीमारी आपको बताई गई है, अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएं और हम आपके लिए दुआ करेंगे। हर एक किसी को खड़े होने की आवश्यकता नहीं, केवल रोगी और बीमारों के लिए हम दुआ कर रहे हैं, और जिन लोगों ने अभी हाथ खड़े किए थे, किसने हाथ खड़े किए थे, बीमारों को दुआ करने के लिए जरा पलट के देखो, कितने लोग बीमार खड़े हैं, तुम्हारे बगल में कौन है,
तुम्हें नहीं देख रहा बगल में, दो खड़े हैं, इधर आओ निकल के बाहर, सबके लिए दुआ करो, चलो एक एक करके जाओ जाओ निकलो। क्या कर रहे हो? पीछे देखो मुड़ के, किसके लिए दुआ करनी है? जो लोग खड़े हुए हैं इन सब के लिए आप हाथ रखिए, इन सब बीमारों पर हाथ रखिए, यीशु के नाम से हाथ रखिए और कहिए चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु तुम्हें चंगा करता है, जाइए। अरे हाथ रखो, यीशु के नाम से हाथ रखो, कहो चंगे हो जाओ, करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जिन लोगों ने अभी जिनके लिए मैंने दुआ किया वो सब करना शुरू कर दें। चलिए रमाकांत खड़े हो जाओ, एसबी सिंह निकलो बाहर, भगवत कुशवाहा निकलो बाहर, जाओ लोगों के लिए दुआ करो, सबके लिए करो प्रार्थना, जो जो बीमार हैं सबके लिए करो। मैं जाके बैठ रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं बदलेगा। वो एक राजा का दूसरा एक मनुष्य उसके स्थान पर राज्य करने के लिए मिल सकता है, मिल जाएगा ना। अरे एक प्रधानमंत्री रिटायर होता है, दूसरा प्रधानमंत्री हो जाता है, एक राष्ट्रपति रिटायर होता है, दूसरा राष्ट्रपति आ जाता है। तो मनुष्य का तो सब्स्टिट्यूट है, मेरा भी है। वो मैंने आज दरबार में देख लिया कि जब मैंने विश्वासियों से कहा कि तुम लोग दुआ करो तो तुम्हारी दुआ से सैकड़ों लोग चंगे हुए कि नहीं, हुए कि नहीं, तो मेरे जगह तुम वही काम कर रहे हो जो मैं कर रहा था। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए ये कॉन्फिडेंस रखो कि विश्वासी विश्वासी कहीं भी रहेगा। इसलिए बाबा जी की पूजा मत करो, बात समझ में आ गई? इसलिए बाबा जी की पूजा मतलब मेरी पूजा मत करो, ये मत सोचो कि मैं सुपरमैन हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह हूं, कोई अंतर नहीं है। एक ही अंतर है कि मेरा उद्धार हो गया है, तुम्हारा भी उद्धार हो गया है, एक ही बात हो गई, ठीक है ना। यीशु मसीह के विश्वासी तुम भी हो, मैं भी हूं। अब विश्वासियों के चिन्ह होंगे, वो हम में भी हैं, तुम में भी हैं। अब तुम उन चिन्हों को देखो, करके देखो, परख कर देखो कि परमेश्वर भला है कि नहीं। हालेलुया, परख कर देखो, परमेश्वर भला है और वो भला काम करेगा तुम्हारे जीवन में। तेल पानी कपड़ा ऊपर उठा लीजिए, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे अंतिम प्रार्थना के लिए। तेल पानी कपड़ा सब उठा लीजिए, जहाँ भी आप हो, जिस स्थान पर हो, आप YouTube के माध्यम से देख रहे हो, वहाँ भी तेल पानी कपड़ा ऊपर उठा लो। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पिता अपनी महासामर्थ को यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस कपड़े तेल पानी पर उतार दे, ताकि जहाँ कहीं इसका इस्तेमाल किया जाए परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु की महिमा हो। प्रभु सामर्थ के साथ इस तेल पानी कपड़े को इस्तेमाल करें, यीशु के नाम की महिमा हो, आमीन। अब प्रभु परमेश्वर, जैसा कि वचन में लिखा है, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तुम्हारी कुछ हानि होगी। यहोवा तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा, यहोवा तुम्हारे आने में और जाने में अब से लेकर सर्वदा तक तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे, प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे, आमीन।